दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में। मैंने आप लोगों को वृत्त का जो लास्ट वीडियो था उसमें काफी कुछ समझा दिया था। ठीक, टॉपिक खत्म हो चुका। अब हम अपने नए टॉपिक पर आते हैं। हमारा नया टॉपिक क्या है? द्विघात समीकरण। ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 का जो की एनसीईआरटी के बुक में है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए समझते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक, द्विघात समीकरण होता क्या है? देखिए द्विघात, ठीक, समीकरण तो हमें पता है, हमें तो समीकरण पता है ऐसे x+4 ये भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा समीकरण है। y+6 ये भी समीकरण है। लेकिन जब ये द्विघात जुड़ जाता है, ठीक, द्विघात हो जाता है। देखिए द्विघात ऐसे है, द्वि प्लस घात, यानी घात माने पावर, ठीक, और द्वि माने ये द्वि, काफी शुद्ध खड़ी बोल एकदम, द्वि माने दो, यानी जिसकी पावर कितनी हो दो, यानी जिसकी घात कितनी हो दो, वो होता है द्विघात समीकरण। देखिए जैसे भी मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूं, मान लो मैं ले रहा हूं 4+x2। ठीक, अभी मैं पूछ लू ये द्विघात समीकरण है? जी बिल्कुल है। घात कितनी है? दो है। ऐसे कहते हैं अभी आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए x2+4x+6 द्विघात समीकरण है? जी बिल्कुल है, क्योंकि घात कितनी है? दो। x की घात कितनी है? दो। कोई जरूरी नहीं x हो, a की घात दो, ठीक, ये भी घात कितनी है? दो। लेकिन समीकरण नहीं है, केवल द्विघात है। समीकरण में दो से अधिक संख्या है, दो या दो से अधिक संख्या होनी चाहिए। ऐसे a2+4a, ठीक, ये भी हो सकता है a2+4b2+6, ये जैसे ये सब है तो ये द्विघात होते हैं। ठीक, यानी वह समीकरण जिनमें घात कितनी होनी चाहिए? दो। वह समीकरण जिनमें घात कितनी होनी चाहिए? दो, वो होते हैं द्विघात समीकरण। देखिए हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो। जिसको जहां पर समझ नहीं आ रहा पूछ सकता है। ठीक, इसमें ऐसे लिख सकते हैं वह समीकरण जिनकी घात दो होती है, यानी ये दो होती है, द्विघात समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं, यानी वह समीकरण जिनकी घात दो हो वो द्विघात समीकरण होते हैं। ठीक, अब आगे उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल कैसे क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी ऐसे लिखा, पहला ऐसे देखें 3x2+5x+1 -1=0। ठीक, ये भी हमारे द्विघात समीकरण है। ऐसे मैं लिख दूं x2+4x = 0, ये भी हमारे द्विघात समीकरण है। यानी x द्विघात, घात तो दो होगी, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन एक चीज और, अभी जैसे मैं a लिख रहा हूँ, x लिख रहा हूँ, b लिख रहा हूँ, इन सब चीजों में इनके मान भी कितने आने चाहिए? इन सबके मान दो दो आने चाहिए, चाहे वो प्लस माइनस में है, चाहे माइनस प्लस में है, चाहे जैसे भी है, प्लस प्लस नहीं है। ठीक, मान दो आने चाहिए। ठीक, अभी मैं ऐसे लिख दूं x2+9=0, यानी ऐसे जिनके मान भी दो हो, घात भी दो हो, वो होते हैं द्विघात समीकरण। केवल घात दो है तो द्विघात है, लेकिन जिस समीकरण में मान भी दो आए, घात भी दो आए, वो क्या होते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कुछ सवालों को हल कराते हैं, सबका नोट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने सवाल की ओर। अभी देखिए ज्यादातर क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जाते हैं पेपर में, ठीक है, जैसे भी कह रहे हैं प्रत्येक समीकरण को हल कीजिए, जिसमें पहला सवाल हमारा है 3x2-343=0। ठीक है, 243 है हमारा। ठीक है, ये सवाल है। अब देखिए
घात कितनी दी गई है? दो। घात कितनी दी गई है? दो। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि द्विघात समीकरण है। लेकिन आगे बढ़ते हैं कैसे, देखिए 3x² बराबर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में होगा, ठीक है, माइनस में इधर जाएगा तो जीरो की ओर प्लस में हो जाएगा 243, ठीक, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी x² बराबर 243 अपॉन 3। काटते हैं देखिए, 3 8 24, 3 8 24 और 3 1 3, यानी x² बराबर हमारा आ गया 81, ठीक 81 आ गया हमारा। क्या हम लिख सकते हैं x बराबर रूट 81। अब पता है 81 का रूट कितना होता है, आप लोगों को पता होगा ना, 9, ऑटोमेटिक कर देते हैं 9 है, ठीक। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं द्विघात, ठीक, क्या पढ़ रहे हैं द्विघात, द्विघात में कैसे लिखाते हैं, x बराबर प्लस माइनस 9, यानी प्लस भी हो सकता है, देखिए प्लस माइनस 9 ऐसे कहते हैं, जैसे माइनस 9 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस 81 आ गया, ठीक, प्लस का 9 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी 81 आ गया। द्विघात समीकरण में प्लस माइनस उत्तर आता, ठीक, प्लस माइनस में भी उत्तर आता, प्लस प्लस में भी उत्तर आता, माइनस माइनस में भी उत्तर आता, ठीक। तो पहला सवाल 3x² - 243 = 0, मैंने x का मान निकाल लिया कितना आ गया 9, यानी अभी यहाँ पर मैं 9 रखूंगा और उसके बाद उसको 3 से गुणा करूंगा, इसको इसको घटाने पर कितना देगा 0, यानी जो x का मान निकलता है उसको x की जगह पर अगर हम लोग रख देते हैं, x का मान जो निकलता है उसको x की जगह पर रख देते हैं तो मान कितना आ जाना चाहिए 0, अगर 0 आ रहा है यानी हमारा सवाल सही है, ठीक। अब इस सवाल को नोट कर लीजिए, आगे फिर अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं, सवाल उम्मीद है नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है x² + 12x + 35 = 0। अब देखिए इस तरह का सवाल है, अब लोग अटक के ना, ठीक, अटके ना, देखिए अभी बता रहा हूं, इसका एक नियम है, इस पहली वाली संख्या को आखिरी वाली संख्या से गुणा करते हैं, ठीक, यानी क्या होगा 35x², ठीक। अब ठीक हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है, ठीक, कैसी, ऐसी संख्या खोजनी है जिसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए 35, ठीक, और जोड़े और चाहे घटाएं कितना लिखे 12, ठीक 12 आना चाहिए, ठीक, जोड़ने या घटाने पर 12 आना चाहिए, चाहे जैसे भी लाए हम लोग, ठीक है। तो देखिए इस सवाल पर कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला वाला सवाल नोट हो गया होगा सबका ना, समझ में आया कैसे क्या होगा, ठीक है, अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या होता है, यानी पहले और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा वो, ठीक, लेकिन उसके बाद हमें ऐसी संख्या खोजनी है कि मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाली संख्या है, जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या, संख्या खोजते हैं, ठीक है, 7 5 35, 7 और 5 जोड़ेंगे 12, 7 5 35, ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं x² + 7x + 5x + 35 = 0। अब देखिए 7 और 5 35, 7 5 35 जोड़ने पर 12, ठीक है, देखिए x इंटू x x² हो गया और x x ऐड होगा x ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इन दोनों को एक साथ है और इन दोनों को एक साथ है, ठीक है, दोनों एक साथ हो गए। अब देखते हैं इस वाले में दोनों में, ठीक है, इन दोनों में अलग अलग ग्रेटर कर ले रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है ना, x दोनों में x² का मतलब देखिए x² कब होता है, जब x और x गुणा होते हैं, ठीक, आधार सेम है, घात ऐड हो जाती है, ठीक, 2x है, 1x इसमें का, 1x इसमें का, यानी x हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा हमारे पास, x + 7 बचा, ये बच गया हमारा, ठीक है, प्लस। अब देखिए हमें लाना कितना ब्रैकेट में, इतना ही लाना है, यानी सबसे पहले हम क्या लाएंगे x, यानी 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का निशान है, प्लस 5 7 35 हो गया ना, ये दोनों जब सेम आते हैं तभी हमारा समीकरण सही माना जाएगा, ठीक है, ये दोनों जब सेम आएंगे तभी समीकरण हमारा आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। अब देखिए दोनों सेम है, दोनों जब दो चीज सेम होते तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, ठीक, x + 7 मैंने लिख दिया। अब देखिए ये अलग है, ये अलग, ठीक, दोनों अलग है, इनको एक साथ लिख दे रहे हैं x + 5 = 0, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इनको इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, घटेंगे, जो भी करेंगे आएगा इतना हमारा, क्या x² + 12x + 35, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, मैंने बताया दो मान आते हैं, ठीक, दो मान कैसे आते हैं, देखिए
एक बार x प्लस सेवन को इसके बराबर रखेंगे जीरो, x प्लस सेवन बराबर जीरो, तो x का मान क्या आएगा, सात प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस का सात, एक x का मान ये आएगा। लेकिन जब दोबारा इस वाले में x प्लस फाइव को इसके बराबर रखेंगे जीरो के, तो फाइव क्या हमारा प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, x बराबर माइनस का फाइव, x के दो मान आ गए माइनस सेवन एंड माइनस फाइव। मैंने क्या बताया था मान कितने लेने चाहिए, दो, चाहे वो प्लस प्लस में है, माइनस प्लस में है, प्लस प्लस, प्लस माइनस में है, माइनस माइनस में है, आने चाहिए दो मान, ठीक है। अब माइनस सात यहाँ रखेंगे तब भी ये जीरो होगा, माइनस पांच भी यहाँ रखेंगे तब भी ये जीरो होगा, यानी x के कितने मान आ गए, मैं देखिए x बराबर माइनस सात कॉमा माइनस का पांच, ऐसे सात बनाते हैं, ठीक, दो मान आ गए, x के कितने मान आ गए दो, ठीक है। इधर x के भी दो मान है, प्लस नौ माइनस का नौ, इधर भी x के कितने मान है दो, माइनस का सात माइनस का पांच। इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। सो गाइस, ये आज हमारा टॉपिक द्विघात समीकरण का पहला लेक्चर था, द्विघात समीकरण का पहला लेक्चर था जो कि आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये बेसिक पॉइंट्स थे, ठीक, ये बेसिक पॉइंट्स थे। अब आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ सवालों को और मैं बताऊंगा, तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, पूरा देखें, शेयर भी करें अपने मित्रों के पास ताकि वो भी ऐसे वीडियोस पाते रहें, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी सेफ इन द कोविड 19 इवेंट। थैंक यू गाइस।